नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आज मैं आपके सामने कक्षा 10 पाठ 10 का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का भाग 7 लेकर उपस्थित हूं। बच्चों, इससे पहले भागों में हमने आपको प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानकारी दी है। अपेक्षा करते हैं सभी बच्चे ध्यान से समझ रहे होंगे। आज के टॉपिक में हम आपको आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है लेंस के बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से लेंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं के बारे में समझें, ठीक है? तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लेंस, क्या होता है लेंस, क्या जानता है कोई? आई थिंक जानता होगा। बच्चों, जब हम दर्पण कर रहे थे तो आपको बताया गया था कि दर्पण एक ऐसा माध्यम होता है जिसकी एक सतह प्रतिबाई होती है और जहां पर प्रकाश टकराकर वापस लौट जाता है। तो ऐसी सतह जहां पर प्रकाश टकराकर वापस लौट जाता है उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। बात आ रही है हमारी लेंस की। आपने आए दिन दैनिक जीवन में लेंसों को आप देखते भी होंगे। कहाँ देखते होंगे हैं भाई? यदि किसी की आंखें खराब हो जाती हैं तो वो अपनी आंखों को सही करने के लिए या अपनी दृष्टि को सही बनाने के लिए लेंसों का प्रयोग करता है, ठीक है? तो आप लोगों ने दैनिक जीवन में बहुत जगह देख रखे होंगे लेंस। बात करते हैं लेंस। लेंस क्या होता है? बच्चे, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसके आर पार देखा जा सकता है, ठीक है? तो वह युक्ति जिसके आर पार देखा जा सकता हो वो क्या कहलाता है? आपका लेंस कहलाता है। अब बात आती है लेंस कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, लेंस आपके होते हैं दो प्रकार के। लेंस के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? लेंस दो प्रकार के। नंबर एक उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और नंबर दो अवतल लेंस। ये दो प्रकार के आपके लेंस होते हैं, ठीक है? बात करते हैं उत्तल लेंस की। देखिए, ये हमारे पास में कोई लेंस है, ठीक है, और एक लेंस हमारे पास में ये है। अब इन दोनों में एक तो आपका उत्तल लेंस है और एक आपका अवतल लेंस है। तो यदि हम उत्तल लेंस की बात करते हैं तो कैसे पहचान करोगे कि ये उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है? देखो बच्चों, जो लेंस किनारों पर से पतला, कैसा? पतला, और बीच में से मोटा होता है उन लेंसों को कहते हैं उत्तल लेंस। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। बात समझ में आई? जो लेंस किनारों पर से तो पतले होते हैं और बीच में से मोटे होते हैं ऐसे लेंसों को कहते हैं हम उत्तल लेंस, ठीक है? और साथ ही साथ इन लेंसों को हम क्या कहते हैं? अभिसारित लेंस भी कह देते हैं। अभिसारित लेंस भी कह देते हैं। कौन से लेंसों को? उत्तल लेंसों को, ठीक है? तो उत्तल लेंस क्या होता है? जो लेंस किनारों पर से पतले और बीच में से मोटे होते हैं ऐसे लेंसों को हम उत्तल लेंस कहते हैं, और जो किनारों पर से पतले और बीच में से मोटे होते हैं उन लेंसों को हम अभिसारित लेंस भी कह देते हैं। बच्चों, अभिसारित का मतलब होता है इकट्ठा होना। अब इकट्ठा होने से हमारा क्या मतलब है? देखिए, जरा ध्यान देंगे। मैंने अभी आपको क्या बताया? ये आपका कोई लेंस है जिसको मैंने पहचान बता दी, आपका कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ये क्या कहलाती है? आपकी मुखिया, जैसे आपने दर्पण में पढ़ी थी, ठीक है? ये क्या कहलाता है? आपका मकरता केंद्र सी, या प्रकाशिक केंद्र कह सकते हैं। तो जो मुखिया से समांतर आने वाली किरण दर्पण से निकलने के बाद किसी एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाती है, इस बिंदु पर इकट्ठा हो गई ना, तो अभी बताया था मैंने अभिसारित का मतलब होता है। अभिसारित का क्या मतलब होता है? इकट्ठा होना, ठीक है?
तो इसीलिए इस प्लान को हम क्या कह देते हैं, अभिसारी प्लान भी कह देते हैं। एग्जाम में आ जाता है कि अभिसारी प्लान किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो आपका उत्तर लेंस होता ही है उसे ही हम क्या कह देते हैं, अभिसारी प्लान भी कह देते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा उत्तर लेंस किसे कहते हैं, जो लेंस किनारों पर से पतले हों बीच में से मोटे हों ऐसे लेंसों को हम क्या कह देते हैं, उत्तल लेंस कह देते हैं, या इन्हें हम अभिसारित लेंस भी कह देते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आता है आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस किसे कहते हैं, समझ गए होंगे, इसका उल्टा हो गया। अभी मैंने आपको बताया था ये वाला लेंस, तो ये किनारों पर से कैसा है, मोटा है, और बीच में से कैसा है, पतला है। तो या आप ये कह सकते हैं जो बीच में से दबा हुआ हो और किनारों पर से उठा हुआ हो उस लेंस को हम क्या कहते हैं, आउटर लेंस कहते हैं। ठीक है, और साथ ही आउटर लेंस, आउटर लेंस। ठीक है, तो जो लेंस आपको किनारों पर से मोटा बीच में से पतला ऐसे लेंसों को हम क्या कहते हैं, आउटर लेंस कहते हैं। ठीक है, तो आउटर लेंस को हम एक लेंस के नाम से जानते हैं अपसारी लेंस। क्या, अपसारी। अब हमने अपसारी की कह दिया, देखो उत्तल लेंस को कहा था हमने अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा करना, और अपसारी का मतलब होता है फैलना, मतलब जो प्रकाशित किरणों को इकट्ठा कर दे उसे तो हम अभिसारित कहते हैं, और जो प्रकाशित किरणों को फैला दे उसे हम क्या कहते हैं, अपसारित कहते हैं। एग्जांपल, ये आपने कौन सा लेंस बताया ना, अभी अवतल लेंस बताया, ये क्या हो गया थी आपकी मुख्या, ये क्या हो जाता है प्रकाशित किरण, और ये मुख्य की समानता आने वाली किरण ऐसे फैल जाती है। ठीक है, तो वापस फैल दिया ना ये, तो जो फैल दिया है उसका मतलब होता है अपसारित, और जो इकट्ठा हो रही है उसका मतलब होता है अभिसारित। ठीक है, तो जो लेंस किनारों पर से मोटे बीच में से पतले होते हैं उन्हें हम अवतल लेंस कहते हैं, और जो लेंस किनारों पर से पतले और बीच में से मोटे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ सभी बच्चे हैं तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस की पहचान समझ गए होंगे, या देख कर आप बता भी सकते हैं कि उत्तल लेंस या उत्तल लेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं उत्तल लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। चलिए नंबर एक लेते हैं वक्रता केंद्र, नंबर एक वक्रता केंद्र। अब अगर वक्रता केंद्र की बात करते हैं तो वो उत्तल लेंस में भी और अवतल लेंस में भी है, तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, भाई ये आपका कोई लेंस है, आप तो समझ गए होंगे कौन सा लेंस है, आपका उत्तल लेंस है, तो ये क्या आपका प्रकाशित केंद्र की है। बात करते हैं वक्रता केंद्र, तो क्या होती है वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र होता है जो आपका उत्तल लेंस या अवतल लेंस होता है, किसी गोले तरफ गोले लेंस से कटा हुआ भाग होता है, और उस गोले लेंस का जो केंद्र होता है उस केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है आपकी मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस क्या है, लेंस के प्रकाशित केंद्र से जो गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं ही क्या कहलाती है, आपका मुख्य अक्ष कहलाती है। ये वाली मैंने बताया था ना मुख्य, ये तो है, तो कोई आपके पास ना लेंस है, इस लेंस के बीचों बीच कोई काल्पनिक रेखा खींच रही है, और ये काल्पनिक रेखा ही क्या कहलाएगी, आपका मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका प्रकाशित केंद्र, प्रकाशित केंद्र क्या होता है बच्चों, प्रकाशित केंद्र, अभी मैंने आपको लेंस बताया, ठीक है, यहाँ पर ये सी बिंदु बताया था, तो किसी भी लेंस का जो केंद्र बिंदु होता है वो केंद्र बिंदु ही क्या कहलाता है, आपका प्रकाशित केंद्र कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द्वारक, द्वारक, द्वारक का मतलब तो समझते ही होंगे आप, जहां से हम प्रवेश करते हैं, तो प्रकाश जिस मार्ग से होकर लेंस में प्रवेश करता है उस मार्ग को ही हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ परिभाषाएं थी जिनको आपको याद रखना है, किस तरीके से रेंसिलेटिव। तो इस भाग में मैंने आपको क्या बताया, इस भाग में मैंने आपको बताया लेंस, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, अगले भाग में हम
लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनते हैं के नियमों को बताएंगे। थैंक यू।